नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा देशवासियों से जनता कर्फ्यू के अपील के बाद गाजीपुर जिले में लाउडस्पीकर लगाकर लोग शहरी इलाके और ग्रामीण अंचल में जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए अपील करते नजर आ रहे हैं। दरअसल 19 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना के श्रृंखला को तोड़ने के लिए 22 मार्च को जनता से जनता कर्फ्यू की अपील की है। देश हित में पीएम के इस अपील को सफल बनाने के लिए नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन व चेयरमैन पति विनोद अग्रवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ लाउडस्पीकर के माध्यम से शहर के तमाम जनता से कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की। विनोद अग्रवाल ने शहर के नवाबगंज फाटक से कई मोहल्ला होते हुए शहर के महुआबाग तक हाथ में माइक लेकर लोगों से अपील करते नजर आए। इसके अलावा जखनिया तहसील के ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना महामारी के श्रृंखला को तोड़ने के लिए भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। इस दौरान प्रमोद वर्मा ने बताया कि पूरा विश्व जिस प्रकार से कोरोना से ग्रसित है, सबसे विकसित शक्तिशाली देश सबसे ज्यादा प्रभावित है, उस भयंकर स्थिति को देखकर निश्चित रूप से हम सभी को अपनी सुरक्षा और देश के नगरपालिका अपने पूरे जिम्मेदारी के साथ सफाई अभियान में जुटी हुई है। सफाई का अभियान चल रहा है। कल जनता कर्फ्यू के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपील किया है कि लोग घर से बाहर न निकलें, तो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोग घर से बाहर न निकले, दुकान न खोले, यात्रा न करें। इस प्रकार की अपील हम लोगों ने नवाब साहब के फाटक से शुरू करके मेन मार्केट होते हुए महुआबाग तक आए हैं और लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और पूरे सरकार ने जिस प्रकार का एहतियाती कदम उठाया है, बहुत जल्द इस देश से कोरोना भागेगा। कोरोना महामारी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील, जो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आग्रह किया गया है, उसके लिए जखनिया क्षेत्र वासियों से एवं गांवों में लाउडस्पीकर सोशल मीडिया के माध्यम से घूम घूम कर हम लोग यह प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इस जनता कर्फ्यू को आप सफल बनाने में सहयोग करें। आप 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक अपने घरों में रहें। आपको इससे यह फायदा होगा कि मानव श्रृंखला टूटेगी और कोरोना वायरस के संक्रमण से आप बचेंगे। सबसे बड़ी बात इस रोग की यह है कि इस रोग की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और यह देश सुरक्षित रहेगा। मैं विभिन्न सामाजिक सेवी संगठनों से भी आग्रह करता हूं कि इस जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करें और अपने को